दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेस्ट 2012 में क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पेंडुलम से क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है। एक में एक्सेलरेशन ऊपर दे रखा था एलिप्ट का, और एक का जो एलिप्ट है वो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड दे रखा था। तो उन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है एक गर्ल सिंपल पेंडुलम इनसाइड स्टेशनरी लिफ्ट। एक गर्ल है तो हमारी लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी लिफ्ट। और एक गर्ल है वो में वो द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इनसाइड है उसका जो टाइम पीरियड है वो मेजर कर रही है। तो क्या कह रहा है कि लिफ्ट एंड ही फाइंड इट टू बी टी सेकेंड। तो जो सिंपल पेंडुलम है इस लिफ्ट के अंदर उसका जब उसने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया तो उसका है टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। अब क्या कह रहा है कि इफ़ द लिफ्ट एसेलरेट अपवर्ड विथ एन एसेलरेशन जी बाई फोर। अब ये कह रहा है कि यदि ये लिफ्ट इस स्थिति में ये जो लिफ्ट है हमारी स्टेशनरी है, लेकिन जो हमारी सेकेंड सिचुएशन है कंडीशन है उसमें कह रखा है कि जो हमारी लिफ्ट है वो जी बाई फोर एसेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एसेलरेट करना शुरू कर देती है। तो अब इसके बारे में क्या आगे देखिए, देन द टाइम पीरियड विल बी। तो उसके बाद जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा अब उसको बताइए। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं जो लिफ्ट है उसका जो टाइम पीरियड है इसमें हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं जो हमारा लिफ्ट है जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टी इक्वल्स टू 2π√LG। अब देखिए यदि जब जो हमारी लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है तो वहाँ पर एक सूडो फोर्स लगता है, जो जिस डायरेक्शन में लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वो सूडो फोर्स लगेगा। तो ये जब हमारी लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जी वाई फोर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है तो जो हमारा सूडो फोर्स होता है एम ए, सूडो फोर्स एम ए होता है वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। तो जब अपवर्ड जा रही है तो डाउनवर्ड सूडो फोर्स लगेगा एम ए। अब देखिए ये हमारा जी एक्टिव होता है। अब टाइम पीरियड की हमें गणना करनी है तो देखिए जो हमारा जी इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, जी इफेक्टिव होता है और देखिए इधर जी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब जी इफेक्टिव कितना होगा हमारा वो देखिए, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है। तो जी प्लस जी वाई फोर ये होगा 5gy4। तो जो हमारा जी इफेक्टिव आया हुआ है 5L/5gy4। तो ये 4 ये बाहर आ जाएगा, 4 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 2 into 2 4π√L/5g। ये है देखिए इसका आंसर। और देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें वो क्या क्या है, जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन ए दे रखा है हमें वो है जो टाइम पीरियड होगा वो टी होगा। ऑप्शन बी दे रखा है उसमें टाइम पीरियड टी बाई फोर होगा। ऑप्शन सी होगा
और टू टी अपॉन रूट फाइव होगा, और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है टू टी रूट फाइव। अब देखिए, यानी कि हमें जो आंसर है हमारा वो टी की टर्म में लेना है, जो हमारी जब जो लिप थी वो स्टेशनरी थी तो उसका जो पेंडुलम था सिंपल पेंडुलम उसका टाइम पीरियड टी था, तो उसको इस आंसर को हमें टी की टर्म में लेके आना। तो देखिए ये है 4 पाई एल जी, तो इसको आप 2 √2π√l g 2√1/5। तो ये जो हमारा है ये टाइम पीरियड जब का जब लिफ्ट स्टेशन रही थी, तो इसके लिए हम टी पुट कर सकते, तो 2t √5 ये हमारा टाइम पीरियड आएगा जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब यह क्वेश्चन फिर से जेस्ट में पूछा गया है, वो देखिए किस ईयर में है। उसमें बस इतना कह रखा है कि जो लिफ्ट है अब की बार डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करना शुरू करती है, तो उसके बाद हमें जो टाइम पीरियड होगा उसकी गणना करनी है। तो उसके बाद यही क्वेश्चन जेस्ट में पूछा गया था 2013 में। तो देखिए अब इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि लगातार 2 वर्षों में बस एक ईयर में जो एक्सेलरेशन है लिप का वो अपवर्ड है और दूसरे वर्ष में डाउनवर्ड करके दे रखा है। ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए स्टेशनरी लिप इज टी, जो हमारी लिप है जो स्टेशनरी है तब उसका टाइम टाइम पीरियड है टी है, जब अब उसके बाद देखिए क्या ये हमारा सही एक पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन आगे देखिए क्या जो क्वेश्चन आगे उसमें कह रखा है कि इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन g/4। अब कह रहा है कि ये लिफ्ट एक्सेलरेशन g/4 से डाउनवर्ड दिशा में एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, तो जो हमारा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ओ पेंडुलम ये क्या होगा। तो देखिए जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ये तो सिंपल पेंडुलम वो होता है t = 2√l g। यहाँ पर जी इफेक्टिव काम में लेंगे हम, क्योंकि जो हमारी लिफ्ट है वो जब एक्सेलरेट अप या डाउन करती है तो जी वहाँ पर चेंज होता है, तो जी इफेक्टिव। अब इस जी इफेक्टिव की हमें गणना करनी है, तो जी इफेक्टिव किस तरह होगा, देखिए ये हमारी लिफ्ट थी, ये इसमें पेंडुलम है, ये जब स्टेशनरी थी तब की ये सिचुएशन है, ये हमारा पेंडुलम जब ये लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करना शुरू कर देती है, तो जो हमारा सुडो फोर्स लगता है जब ये g/4 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना शुरू करती है, तो जो हमारा सुडो फोर्स है इस लिफ्ट पर इमेजिनरी फोर्स लगेगा, सुडो फोर्स वो होगा ma, और वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो सुडो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पर एक सुडो फोर्स ma लगेगा। अब जी इफेक्टिव किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जी इफेक्टिव नीचे की तरफ लग रहा है जी, और ऊपर की तरफ में जो एक्सेलरेशन है
ये है जी बाई फोर, तो जी माइनस जी बाई फोर, तो इसको ये आएगा थ्री जी बाई फोर, जो हमारा आंसर है वो हमें किस फॉर्म में याद करना है, जो हमारा आंसर है वो टी की टर्म में लेके आना है, तो थ्री जी फोर ये जी करके। अब जो हमारा टाइम पीरियड है वो देखिए, तब को अब जो हमारा न्यू टाइम पीरियड है उसको टी डैश कह दीजिए या कुछ भी टी प्राइम किया किया नाम दे दिया, मान लीजिए हमने इसको टी प्राइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टू पाई रूट एल जी इफेक्टिव हमारे पास थ्री जी बाई फोर, इसको जब कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो थ्री ये फोर ऊपर चलेगा फोर एल अपॉन थ्री जी, देखते हैं आगे इसको किस तरह सोल्व करेंगे, तो ये टू पाई ऊपर से टू को मना जाएगा तो एल अपॉन जी और वन अपॉन थ्री, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये इतनी, ये हमारे पास है टाइम पीरियड जो पहले एक्सेलरेशन नहीं कर रही थी लेकिन स्टेशनरी थी तब का, तो ये आ गया हमारे पास टी और टू ये रूट वन अपॉन थ्री। देखिए जो हमारे ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा हमें तो टाइम पीरियड होगा न्यू टाइम पीरियड होगा वो टी होगा, ऑप्शन बी है टी बाई फोर होगा, ऑप्शन सी है टू टी बाई रूट थ्री होगा, ऑप्शन डी होगा टू टी बाई रूट फाइव, तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट है टू टी बाई रूट थ्री। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, होप करते हैं आपको दो क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, आपका धन्यवाद।